हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक संकेत। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बोर्ड के इस कंप्लीट से अमेजिंग से कोर्स में। तो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बिन इनहेरिटेंस कैसे होता है, कलेक्शन मर्जिंग कैसे होता है, डिफॉल्ट बिन आईडीज़ के साथ हम कैसे काम कर रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इनर बीन्स। जी हाँ, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इनर बीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इनर बीन्स, देखिए इनर बीन्स क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात, इनर बीन्स जो होता है ऐसा कोई रियल टाइम पे आपके पास, आपके इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्सेसिबिलिटी को रोकता है। मतलब कोई बीन अगर सबके लिए एक्सपोज्ड है तो उसको रोकता है कि नहीं भाई, तुम ही सिर्फ, ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम इसको यूज कर सकते हो। कैसे, समझाता हूँ। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टार का कोई सेलिब्रिटी है, ओके, कोई सेलिब्रिटी है, ध्यान से समझिएगा, कोई सेलिब्रिटी है और कोई उसका वैनिटी वैन है ना। सेलिब्रिटी है भाई, कोई शाहरुख खान जी हमारे, और कोई भी किसी को मान लो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो सेलिब्रिटी वो अपना पर्सनल वैनिटी वैन यूज करेगा, राइट, सिंपल सी बात है। क्या वो वैनिटी वैन किसी और को यूज करने के लिए देगा पर्सनल चीज़ें? नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो वैनिटी वैन है उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ किसके पास है? उस ओनर के पास, उस सेलिब्रिटी ओनर के पास। क्या सिंपल है समझना इसको, इस लाइन को समझना सिंपल है ना, ठीक है। सेकंड, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं, समझते हैं ऐसे, जो प्रोफेशनल हमारे क्रिकेटर होते हैं, विराट कोहली, एम एस धोनी, जो भी प्रोफेशनली खेल रहे हैं, क्या वो एक ही बैट का यूज करते हैं जब वो बैटिंग करते हैं? नो, ध्यान से समझिएगा। क्यों? वो भाई प्रोफेशनल है, उनका पर्सनल बैट होता है, कस्टमाइज्ड, राइट, उनका पर्सनल होता है, हर कोई का अपना बैट होता है जो भी पर्सनली वहां पर खेल रहे होते हैं। एम आई राइट और नॉट यार? ठीक है, क्या उनके बैट से कोई और खेलता है? नहीं। उनकी एक्सेसिबिलिटी, उस बैट की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उन तक ही पड़ी हुई है, उन तक ही मौजूद है। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं बॉल का। जब बॉलर बॉलिंग करता है तो क्या अलग अलग बॉल से बॉलिंग करवाता है? जी नहीं। सेम बॉल पूरे गेम में यूज होती है, यस। सेम बॉल क्या पूरे गेम में यूज होती है? डेफिनेटली यस, नो प्रॉब्लम भाई। बॉलर जो है वही गेम, वही बॉल को, जब तक कि ऐसा ना कि बॉल खो जाए कहीं, इतना जोर से मार दो स्टेडियम के पार बॉल चला जाए, राइट, तब तक तो वो बॉल जो है क्या होता है भाई, वो गेंद से पूरा मैच चल रहा होता है और हर एक बॉलर उसी को यूज कर रहा होता है, फील्डर भी उसी को यूज कर रहा होता है, हर एक क्रिकेटर, राइट। बट जो प्रोफेशनल क्रिकेटर, उनके बैट का एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उन्हीं के पास मौजूद है। आपकी गर्लफ्रेंड की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ आपके पास है, ऐसा नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड से आपका दोस्त बात कर रहा है रात को, समझ रहे हो, सिर्फ आप बात कर रहे हो, ठीक है, सी इज ओनली फॉर यू। तो बात यहां पर यह है कि जब कोई हम बीन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं अपने XML कॉन्फ़िगरेशन में, स्प्रिंग बीन जब कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी बीन को, तो वहाँ पर जब हम टारगेट बीन या डिपेंडेंट बीन बनाते हैं, तो जब डिपेंडेंट बीन बनाते हैं तो हम लोग तो नॉर्मल बीन बना रहे होते हैं, तो उस नॉर्मल बीन को क्या कोई भी दूसरा बीन यूज कर सकता है? क्या कोई दूसरा टारगेट बीन यूज कर सकता है? यूज कर लेगा, डेफिनेटली यूज कर लेगा। तो इनर बीन्स का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है कि अगर आप एक बीन बनाते हो, कोई स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जो उसका टारगेट क्लास है, सिर्फ उसके पास वो यूज करे, सिर्फ वो यूज कर पाए उस डिपेंडेंट बीन कॉन्फ़िगरेशन को, आपको बस, और कोई नहीं। यही है, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात कि ये इसका जावा से कोई लेना देना तो है नहीं इनर बीन्स का। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ ऑल अबाउट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किसके बारे में, कन्फिगरिंग वन स्प्रिंग बीन, ओके, वन स्प्रिंग बीन इनसाइड अनदर। एक स्प्रिंग बीन हम बना रहे होते हैं, उसी के अंदर एक और स्प्रिंग बीन कन्फिगर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए यहाँ पर, क्या ये समझना दिक्कत, ये समझने में तकलीफ है आपको? नहीं। क्या है ये? है ए, ये है बी, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज
ए इज टारगेट, बी इज डिपेंडेंट, बी इज डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आपको कन्फिगर करना है आपके बीन को, इस तरीके से आपके बीन को कन्फिगर करना है कि ये जो बी है, जो आपका डिपेंडेंट बीन है, वो सिर्फ और सिर्फ ए के लिए मौजूद रहे। तो इसके लिए हम कैसे एक बीन टैग के अंदर एक और बीन टैग लगा करके यूज कर लेंगे। अदरवाइज ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अन्यथा अगर आप मान लेते हैं कि ये हमारा बीन एक और है, ठीक है, एक और बीन है, ओके, ये बीन है, अगर आपने कन्फिगर किया यहाँ पर, ये हम करते हैं सी या एक्स, ठीक है, और ये है वाई, ओके, ये वाई बीन एक और बीन है, ओके, ध्यान से समझिएगा, वाई एक और बीन है, और जेड एक और बीन आता है, ओके, जेड एक और बीन आता है। एक बात मुझे बताइए, क्या वाई किसके लिए अवेलेबल है अभी फ़िलहाल? अगर आपने इनर बीन कॉन्सेप्ट को समझा और आपने मान लीजिए आपको इनर बीन कॉन्सेप्ट का यूज करना है, अगर आप नॉर्मल बीन बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वाई इन नॉर्मल बीन, नॉर्मल बीन कन्फिगरेशन, ओके, नॉर्मल बीन कन्फिगरेशन सी एफ जी, वाई इज वाई, जो कि क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट इज अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय बोथ द टारगेट बीन एक्स एंड जेड हियर, ठीक है, एक्स एंड जेड हियर। क्या ऐसा ही होता है नॉर्मल बीन में, राइट ना? ये नॉर्मल बीन में ऐसा ही होगा ना कि जो एक्स है वो टारगेट बीन वाई को यूज कर सकता है एज ए डिपेंडेंट, एंड जेड भी वाई को यूज कर सकता है। कब? जब आपने तीन बीन बनाया, राइट, आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी टैग से इंजेक्शन करवा दिया। बट जब आप इनर बीन करवाएंगे यूज, तो ये जो बी आपका डिपेंडेंट है वो सिर्फ ए के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। क्या समझ गए? ऐसे होगा, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी, इसका बी का ऑब्जेक्ट बस इस ए को ही मिल पाएगा और किसी को मिलेगा ही नहीं। अभी समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल, कैसा एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ओके, बहुत ही अमेजिंग सा एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। देखिए, समझ में आ जाएगा, अभी लगे रहिए, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा है। इनर बीन्स, नाम ही है इनर बीन्स, एक बीन के अंदर एक और बीन कन्फिगर करना, ठीक है, नाम ही इसका वही है, कॉपी पेस्ट, अरे ये क्या पेस्ट हो गया, इनर बीन्स। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि भाई एक बीन के अंदर मैंने कहा बस एक ही बीन कन्फिगर होगा। देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ डिपेंडेंट बीन, और यहाँ पर है हमारा टारगेट बीन, और यहाँ पर है हमारा कन्फिगरेशन, ठीक है, बीन कन्फिगरेशन। जब, ध्यान से पहले समझिए, जब एक बीन की एक्सेसिबिलिटी, एक डिपेंडेंट बीन की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ आप एक ही बीन तक रखना चाहते हैं, उसको लॉक करके बस एक ही के लिए रखना चाहते हैं, उसके एक्सेसिबिलिटी को बंद कर देना चाहते हैं, उसके एक्सेसिबिलिटी को बस आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पर्सनल फोन को सिर्फ मैं यूज करूं, तो हमेशा आपके पास रहेगा, हमेशा आपके पैकेट में रहेगा, राइट। अगर आप चाहते हैं वो पब्लिकली रहे, तो बेड पे पड़ा रहेगा, मम्मी भी यूज कर लेगी, पापा भी यूज कर लेंगे, आपका छोटा भाई बहन कोई भी यूज कर लेगा। क्या यहां तक समझ में आई? तो इनर बीन का कॉन्सेप्ट भी कुछ सिमिलर सा है। मान लेते हैं यहां पर कि डिपेंडेंट बीन, फॉर एग्जाम्पल एक बीन लेते हैं बैट, तो बैट डिपेंडेंट है किसके लिए भाई? तो बैट जो डिपेंडेंट होगा, यहां समझते हैं आराम से, जो बैट डिपेंडेंट है, ठीक है, किस पर? क्रिकेटर्स पर, है ना, तो प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। तो ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए बैट डिपेंडेंट है, इस पर आप क्या यूज करेंगे? क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर का सब अपना अपना यूज करेंगे? बीन एक्सेसिबिलिटी रुकेगी या ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं, वो बैट सिर्फ वही क्रिकेटर यूज करेगा। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बैट का ऑब्जेक्ट किसी और टारगेट बीन के पास पहुँच जाए, राइट ना? मैं बस ये चाहूँगा कि मेरे बैट का ऑब्जेक्ट सिर्फ मेरे पास मौजूद रहे और किसी के पास भी ना जाए। तो इस केस के लिए आप जो बीन कन्फिगर करेंगे, द बेस्ट चॉइस इज कि इनर बीन के जैसा कन्फिगर कर लें।
समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी होगा वो टारगेट भी नहीं हो गया। क्यों टारगेट? अरे डिपार्टमेंट यूज करे, डिपार्टमेंट चाहिए ना यूनिवर्सिटी को, राइट। तो यूनिवर्सिटी अगर टारगेट है और डिपार्टमेंट उसका बीन है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का क्या अलग अलग बीन होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा? तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट है वही डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी भी यूज कर रहा है, कॉलेज भी यूज कर रहा है, स्कूल भी यूज कर रहा है, नेवर, राइट। तो डिपार्टमेंट हर एक यूनिवर्सिटी का, एक्स वाई जी का, ए बी सी का, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग होगा, यस और नो, कम ऑन। तो मैं ये चाहूंगा कि गलती से भी, ध्यान समझिएगा, मैं ये चाहूंगा कि गलती से भी मेरे डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट कोई और ना यूज कर ले, कोई और ना यूज कर ले, मैं ये तो यही चाहूंगा। मेरे पर्सनल पैसे कोई और ना यूज कर ले, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट कोई और ना यूज कर ले, राइट। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबिलिटी रोकना चाहूंगा, और ये कहां रोकना चाहूंगा मैं? मैं ये क्लास लेवल की बात नहीं कर रहा, जावा क्लास लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं XML कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। XML लेवल पर ऐसा होगा भाई, ठीक है, बिन, इनर बिन्स। तो डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी हमने देखा, हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इनर बिन का यूज कर लेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट से ही बॉल। मैं चाहूँगा ये जो बॉल है उससे पूरा गेम हो, हर कोई क्रिकेटर उसी को यूज करे। तो डिपेंडेंट अगर क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर कोई भी है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, बॉलर जो भी इसमें आ रहे हैं, तो ये इनको कैसा भी, नॉर्मल भी, जैसा हम पहले से बनाते आए हैं उसी तरीके से, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे हमें करना है। तो नॉर्मल बीन के जैसा इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, डिफाइन कर देंगे या कॉन्फ़िगर कर देंगे। समझ में आया? यस। मैं कहा कि भाई आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड किसके लिए डिपेंडेंट है? तो आधार कार्ड पर्सन के लिए डिपेंडेंट है, राइट ना, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन का एक यूनिक आधार कार्ड। भाई जो आधार कार्ड है, योर आधार कार्ड इज़ ओनली अवेलेबल फॉर यू ना, आप गलती से भी नहीं चाहेंगे कि मेरे आधार कार्ड का डिटेल्स किसी और के सामने एक्सपोज हो, कभी नहीं चाहेंगे ये, राइट। तो आधार कार्ड जो आपका हुआ, और आपका जो पर्सन अगर टारगेट पिन है, अगर आपका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, पर्सन टारगेट पिन है, वो किसको यूज कर रहा है, आधार कार्ड को, तो आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ अवेलेबल होना चाहिए, उसी टारगेट बीन के पास अवेलेबल होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग यार? एम आई राइट और रॉन्ग? यस, ओके। तो इस केस में भी इनर बीन कर लेंगे। इनर बीन जैसे ही करेंगे, ये एक्सेसिबिलिटी को रोक देगा, कहीं और नहीं पहुंचने देगा, सिर्फ उसी टारगेट के लिए पहुंचाएगा जहां पर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे इनर बीन में। पर्सन के अंदर अगर मैं टारगेट लगा, अगर पर्सन हमारा टारगेट बीन है, उस पर्सन के अंदर अगर मैं एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, अगर पर्सन हमारा टारगेट बिन है और उस पर्सन के अंदर मैं अपना आधार कार्ड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि इनर बिन के जैसा कॉन्फ़िगर हो जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई, आगे किसी के पास भी वो आधार कार्ड का डेटा मेरा पहुँच ना जाए। क्या समझ में आया? यस और यस। उसी तरीके से सेम बैंक अकाउंट का भी आप करेंगे। अगर जो आपके पास बैंक अकाउंट है, जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट है, तो आप लोग कभी नहीं चाहेंगे एज अ कस्टमर कि आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स किसी और के पास एक्सपोज हो, कितने पैसे हैं, नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम इनर बीन में, है ना, क्योंकि भाई बैंक जो है, बैंक अकाउंट जो है, कस्टमर अपना यूज करेगा, मैं थोड़ी ना आपका बैंक अकाउंट यूज करूँगा यार, मुझे क्या ज़रूरत है आपकी बैंक अकाउंट यूज करने की? एम आई राइट यार? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो उस तरीके से आपको लेना है, यहाँ पर समझना है ये चीज़ें। क्या समझ में आ रहा है? जैसे स्टूडेंट का आईडी हुआ, राइट, SID, स्टूडेंट आईडी कार्ड। अब देखिए, ये स्टूडेंट का आईडी कार्ड एक पर्सनल स्टूडेंट के लिए होगा, राइट और रॉन्ग यार? यस, ये जो स्टूडेंट के लिए होगा, यहाँ से ध्यान से समझिए, अगर ये स्टूडेंट के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग हर एक स्टूडेंट का अपना होगा, तो फॉर डैट यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, इसको भी इनर बीन के जैसा डिक्लेयर करेंगे, अगर आपका स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट हुआ तो। अब रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं बॉस। रियल टाइम एग्जांपल क्या हमने रियल टाइम पढ़ा है, वो लेयर्ड एप्लीकेशन? यस। मुझे बताइए, डेटा सोर्स टारगेट होता है या डिपेंडेंट होता है? डिपेंडेंट होता है बॉस। डेटा सोर्स, JDBC कनेक्शन याद आ रहा है कुछ? हाँ। डेटा सोर्स किसके लिए डिपेंडेंट होता है? डेटा सोर्स को कौन यूज करता है? DAO क्लास, DAO क्लास, क्या याद आ रहा है अब? DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या DAO क्लास डेटा सोर्स को यूज करेगा तो इनर बिन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, या नॉर्मल बिन का हम रखना चाहेंगे, कैसा रखना चाहेंगे बताइए? पहले तो ये समझते हैं कि DAO हम लोग बनाएंगे कितना। देखिए, DAO बनेगा हर एक टेबल के लिए, एक
प्रोजेक्ट में 10 टेबल मान लीजिए बन रहे हैं, तो 10 टेबल के लिए 10 टेबल्स के लिए हम एक एक डाओ क्लास बनाएंगे। तो जब एक एक डाओ क्लास बनाएंगे तो क्वेरी हर टेबल की अलग अलग लिखी होगी, राइट। लेकिन ध्यान से समझिए, क्या वो 10 डाओ क्लास एक ही डेटाबेस के कनेक्शन को यूज करेगा? क्या वो डाओ क्लास सिर्फ एक ही डेटाबेस के कनेक्शन को यूज करेगा? अरे भाई, जब एक ही कनेक्शन को यूज करेगा तो मुझे इसको पर्सनल नहीं ना बनाना है, मुझे इसकी एक्सेसिबिलिटी रोकनी नहीं है सिर्फ एक के साथ, मुझे इसको एक्सपोज करके रखना है कि भाई डेटा सोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको भी यूज करना है कर लो, ठीक है, जिसको भी यूज करना है कर लो यूज। डाओ क्लास, ढेर सारे डाओ क्लास रहेंगे, ढेर सारे टारगेट रहेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा जरूरत पड़े कि आपके डिपेंडेंट बीन को एक से ज़्यादा, एक से आपके कभी भी अगर आपके किसी एक डिपेंडेंट बीन को एक से ज़्यादा टारगेट बीन यूज करना चाहे तो वहाँ पर नॉर्मल बीन डिक्लेयर करिए, नॉर्मल बीन कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, जो हम पहले से करते आ रहे हैं प्रॉपर्टी टैग लगा करके, जो भी जैसे भी होता है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा डिपेंडेंट बीन बस एक ही टारगेट बीन के लिए अवेलेबल हो, तो उस केस में हम यूज कर रहे होंगे इनर बीन। जैसे स्टूडेंट आईडी कार्ड बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ हमारा होता है और किसी का नहीं, ये यूनिक होता है, तो वो यूनिक चीज़ें सिर्फ एक ही स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के लिए रहेगा, एक ही स्टूडेंट के बीन के लिए रहेगा, इसलिए हमने उसको इनर बीन में बनाया। जैसे हम इनर बीन में डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट आईडी कार्ड, सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट टारगेट के लिए, स्टूडेंट टारगेट बीन के लिए अवेलेबल होगा। तो डेटा सोर्स में हम ऐसा इसलिए नहीं करेंगे इनर बीन, क्योंकि डेटा सोर्स कनेक्शन हमने एक बार बना दिया, मैं उसी कनेक्शन को 10 टेबल यूज करूंगा, करेगा, है ना, क्या समझ पा रहे हो ना? आसान है, समझ लो, अब रियल टाइम में आ रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। तो नॉर्मल बीन के जैसा हम इसको डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट, डाओ क्लास भी डिपेंडेंट होता है सर्विस के लिए, क्या याद है? सर्विस क्लास के लिए डाओ क्लास डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? डिपेंडेंट होता है। अब मुझे बताइए इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि सर्विस भी आप मल्टीपल लिखते हैं, क्या याद आ रहा है? क्या आप एक सर्विस लिखेंगे? नहीं, आप लिखेंगे प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, ऑर्डर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, लॉग इन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, एडमिन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, काफ़ी सारी चीज़ें लिखेंगे। क्या आप ऐसा लिखेंगे जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो? यस, रियल टाइम चीज़ें। तो सर्विस तो आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, जब आप सर्विस बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो डाओ क्लास जो होगा उस सर्विस से रिलेटेड, जो भी उसके रिलेवेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाउट क्लास आपको यूज करना होगा, क्या वो डाओ क्लास सिर्फ एक ही जगह यूज होगा, एक ही टारगेट के लिए यूज होगा? नहीं बॉस, दिमाग लगाओ और अच्छे से सोचो यार। सर्विस आप ढेर सारा लिखोगे तो आपको डाओ भी ढेर सारे चाहिए ना भाई। तो जो डाओ आपको, मतलब हो सकता है मल्टीपल टाइम सेम डाओ को आपको यूज करना पड़े, सेम डेटाबेस के एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करना पड़े, तो उस केस में भी हम नॉर्मल बीन लिख रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव यार, सर्विस भी डिपेंडेंट होता है किसके लिए? कंट्रोलर के लिए, क्या याद है? कंट्रोलर क्लास के लिए। अब एक लेयर्ड एप्लीकेशन में स्टैंड अलोन, ध्यान से कान खोल के समझिएगा, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में, एक स्टैंड अलोन लेयर्ड एप्लीकेशन में एक कंट्रोलर क्लास होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो एक कंट्रोलर क्लास क्या किसी पर डिपेंडेंट होता है? हाँ, सर्विस पर। पर सर्विस पर जब वो डिपेंडेंट होता है तो क्या वो किसी भी, ध्यान समझिएगा, क्या वो किसी भी अदर टारगेट के लिए, कौन? कंट्रोलर क्लास, क्या कंट्रोलर लेयर किसी भी और सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट होता है, किसी भी और लेयर के लिए डिपेंडेंट होता है? नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। ये किसी पर तो डिपेंडेंट होता है कंट्रोलर, किस पर? सर्विस पर, क्योंकि भाई सर्विस का ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, सर्विस के वो लॉजिक्स को, मेथड्स को कॉल करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या कंट्रोलर, क्या सर्विस जो है, ये जो सर्विस कंट्रोलर है, जो टारगेट बीन है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर क्लास पर ही जाएगा? क्या सर्विस कहीं और यूज होगा? ध्यान समझिएगा, क्या सर्विस डिपेंडेंट बीन कहीं और यूज होगा एज ए डिपेंडेंट? नो। सर्विस क्या किसी और पर डिपेंडेंट होगा? नो। सर्विस को मात्र एक यूज कर सकता है, जो है कंट्रोलर। एज अ डिपेंडेंट बीन सर्विस को बस एक ही लेयर यूज करता है, बस एक ही क्लास यूज कर सकता है, जिसका नाम है कंट्रोलर क्लास। तो जब एक ही के साथ इसको बांध करके रखना है तो इनर बीन या नॉर्मल बीन? इनर बीन,
क्या समझ में आया? नॉर्मल बीन या इनर बीन बॉस? इनर बीन। क्या समझ में आ गया? जब भी ऐसा जरूरत पड़े कि आपका डिपेंडेंट बीन सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होना चाहिए एक ही टारगेट बीन के लिए, उस केस में आपको इनर बीन डिक्लेयर करना चाहिए, इनर बीन के रूप में कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। क्या अब समझ में आया चीज़ें आपको? क्या आपको अब समझ में आया? यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर योर डिपेंडेंट बीन ओनली डिपेंडेंट बीन अवेलेबल ओनली फॉर वन सिंगल टारगेट बीन देन कन्फिगरिंग द बीन विथ इनर बीन्स कॉन्सेप्ट इज अ बेटर चॉइस। फाइन ना? इफ यू वॉन्ट टू कन्फिगर योर डिपेंडेंट बीन अवेलेबल फॉर मल्टीपल टारगेट बीन्स देन configuring the beans with normal bean configuration which we are doing already is a better choice। क्या समझ में आया? और ऐसे ही आपको कन्फिगर करना चाहिए जब आपका मल्टीपल के साथ उस डिपेंडेंट बीन को मल्टीपल टारगेट के लिए एक्सपोज करना हो, तो डैट टाइम द बेस्ट चॉइस इज नॉर्मल कन्फिगरेशन। एंड अगर सिर्फ एक टारगेट के लिए एक्सपोज करवाना हो उस बीन कन्फिगरेशन को, तो डैट टाइम ओनली इनर बीन्स इज द बेस्ट चॉइस। क्या समझ में आ रहा है इनर बीन्स का कॉन्सेप्ट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब इनर बीन्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, को वैनिटी वैन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, समझिए एग्जांपल वैनिटी वैन का। ठीक है, या यहाँ से शुरू करते हैं यार, यहीं से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया सा कोई, ओके, कहाँ तक हमने प्रोजेक्ट बनाया? 20 डिफ़ॉल्ट बीन आईडी से, राइट? क्या हम लोग इसको कॉपी कर ले, कॉपी एंड पेस्ट दिस? ठीक है, इसी को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं इनर बीन्स 21, जस्ट क्लिक हियर, गो टू सेटिंग्स डॉट ग्रैडल, हियर और डिफ़ॉल्ट बीन इट इज़ इनर बीन्स में जाना है, सेटिंग्स डॉट ग्रैडल, यहाँ पर क्या लिख देना है, सेटिंग्स डॉट ग्रैडल में ये जो सेटिंग्स डॉट ग्रैडल है 21 इनर बीन्स, सेव इट। सबसे पहला आपका यही काम है। दूसरा, ये जो भी बीन और रिसोर्सेज है उसको तो छोड़ देंगे, ये जो बीन है इसको डिलीट करिए, I don't want this। ओके, अब बीन्स में आते हैं एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो गलत बताएगा, इसको हटाइए, सेव इट, गो टू बीन्स, राइट क्लिक, क्रिएट अ क्लास, एक क्लास बनाइए जिसका नाम दीजिए वैनिटी वैन। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा वैनिटी वैन, ओके यार, वैनिटी वैन। इस वैनिटी वैन का प्राइवेट स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जब इन्होंने जब ख़रीदा होगा तो होगा, यस, डैट्स इट।
दैट्स ग्रेट थिंग हाँ, तो वैनिटी वैन ओके यार, और फाइन यार, ये तो होगा वैनिटी वैन आपका, डैट इज़ गुड। और एक चीज़ और है यहाँ पर, राइट क्लिक करिए इसको, इसका पहले हम सेटर इंजेक्शन बना लेते हैं, सेटर इंजेक्शन से इसकी वैल्यू सेट करवाएंगे। रिव ओह सॉरी सोर्स, गो टू सोर्स, जनरेट गेटर सेटर्स, सेलेक्ट सेटर्स, क्लिक जनरेट, सेटर बन गया, ठीक है ग्रेट। वैनिटी वैन, वैनिटी वैन तो हो गया, एंड लग्जरी, ठीक है ना, इसमें लग्जरी होगा, लिख देते हैं पब्लिक वॉइड लग्जरी। अब ये जो लग्जरी है, क्या क्या लग्जरी है, सिस आउट कर लेते हैं, ठीक है सिस आउट कर लेते हैं, क्या बता रहा है भाई, यहाँ आ जाते हैं कि वैनिटी वैन रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है प्लस रेज नंबर, क्या आ जाएगा, यस यहाँ, और क्या लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एल एन लग्जरी अमेनिटीज, कि किचन है भाई, बेडरूम है, टॉयलेट है अच्छा सा पूरा, और क्या क्या देख सकते हैं, इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्यूटीफुल इंटीरियर एंड ETC, कुछ भी हो सकता है भाई, चलो ठीक, हमने कहा ठीक है सेव इट, ये लग्जरी है, एज अ लग्जरी चीज़ें हैं, ठीक है मैंने इसको एक मेथड दे दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा अब इसको, ये वैनिटी वैन है रजिस्ट्रेशन नंबर का, ठीक है नेक, यहाँ पर न्यू करता हूँ मैं, न्यू एंड क्लास, अब सेलिब्रिटी का बनाते हैं, जिसके पास होगा सेलिब्रिटी, आई डोंट नो सेलिब्रिटी, अब सेलिब्रिटी जो होगा उसका नाम ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, क्या नाम है उस सेलिब्रिटी का, राइट उस सेलिब्रिटी का जो भी नाम होगा, और इस सेलिब्रिटी का जो नाम होगा, ठीक है जो भी मान लीजिए शाहरुख खान, तो ये सेलिब्रिटी किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वैनिटी वैन है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से वैल्यू जाएगी, हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करवा सकते हैं, यस और नो यार, क्या मुझे सेलिब्रिटी का वैनिटी वैन चाहिए, यस तो मैं लिखूँगा प्राइवेट वैनिटी वैन, यस ना वैनिटी वैन, प्राइवेट वैनिटी वैन, वैनिटी वैन, और इस वैनिटी वैन को मैं सेटर इंजेक्शन के थ्रू या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में यूज करना चाहूँगा, तो मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ से सोर्स जनरेट, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, जनरेट सो यहाँ पे गेटर सेटर नहीं, मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है ये कंस्ट्रक्टर, मैं इसको मिटा देता हूँ सुपर को, नाम भी हम लोग कंस्ट्रक्टर से दे देंगे, और वैनिटी वैन का ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से देंगे, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे एक मेथड को, ठीक है जो इंटरनली उसको यूज करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज कर लेंगे पब्लिक, ओके पब्लिक, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, सही है पब्लिक, पब्लिक यहाँ पर, और क्या लिख सकते हैं, पब्लिक वॉइड यूजिंग वैनिटी या वैनिटी डिटेल्स, है ना वैनिटी वैन, गेट वैनिटी वैन डिटेल्स, है ना, या सो वैनिटी वैन, कि उसका वैनिटी वैन दिखाओ भाई, ठीक है तो दिखाएगा, और इस पर लिख देते हैं सिस आउट, क्या कि नेम, सबसे पहले तो नेम हैज वैनिटी वैन ओके, और नेम हैज वैनिटी वैन आ जाएगा, उसके बाद शाहरुख हैज वैनिटी वैन, मतलब ऐसा, उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हम यहाँ से प्रिंट करवा लेंगे कि वैनिटी वैन डॉट लग्जरी, जो भी लग्जरी है वो आइटम दे दे, ठीक है गेट लग्जरी, है ना गेट लग्जरी कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो वैनिटी वैन है यहाँ पर गेट लग्जरी कर लेते हैं, चलिए सही है लग्जरी सिर्फ सही है, जैसे ये चलेगा तो वहाँ पर रन हो जाएगा, तो ये मेथड जब रन होगा सो डॉट वैनिटी वैन, तो इतना प्रिंट हो जाएगा, यस सेव इट, डैट्स इट। तो यहाँ पर देखिए हमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी है, ठीक है अब ध्यान से समझिए,
एक यूजर का, एक सेलिब्रिटी का क्या सिर्फ एक ही वैनिटी वैन होगा? यस, अगर मान लीजिए मेरा वैनिटी वैन है, कभी हो तो मतलब 0.1% चांस, 99% वैनिटी वैन, ठीक है मान लेते हैं, तो मेरा पर्सनल खुद का होगा, कोई और जिसका होगा वो कुछ आपका होगा, आपका खुद का होगा पर्सनल वैनिटी वैन, ठीक है। तो कोई भी एक्टर एक्ट्रेस है जिसका वैनिटी वैन है तो उसका पर्सनल होगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कोई और उसको यूज करे, ठीक। तो उसी तरीके से हम भी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर वैनिटी वैन का ऑब्जेक्ट किसी और भी थर्ड यहाँ पर थर्ड टारगेट बीन के लिए पहुँचे, राइट। मैं बस ये चाहूँगा कि ये जो वैनिटी वैन का ऑब्जेक्ट है वो बस एक ही सेलिब्रिटी का ऑब्जेक्ट के साथ पहुँचना चाहिए। तो इसी के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से कि यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने एप्लीकेशन context.xml में और यहाँ पर मैं कन्फिगर करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कन्फिगर करूँगा, एक बीन बनाऊँगा, बीन आईडी इक्वल्स और आईडी दे दूँगा, पहले तो वैनिटी को बना लेते हैं, वैनिटी वैन, ठीक है। अब मैंने बनाया वैनिटी वैन क्लास इक्वल टू, अब मैं बनाता हूँ vanity.com. पहले तो लिखना पड़ेगा com.coderxankit.beans.vanityvan। अब ये वैनिटी वैन का क्या कुछ और सेटर इंजेक्शन है? हाँ है, क्या है? तो भाई हमें सेटर इंजेक्शन सेट करवाना है वैल्यू जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नाम है, रेज नंबर। अब हमने लिया रेज नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में हम वैल्यू सेट कर देते हैं, वैल्यू इक्वल टू बी आर कुछ भी डाल देते हैं, है ना, ऐसे नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन नंबर, सेव कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए, हमने लिखा वैनिटी वैन, ओके हमने ये लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके डैट्स इट, डैट्स गुड। और यहाँ पर हमारा हो गया वैनिटी वैन का काम, और भी है वैनिटी वैन में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है डैट्स इट। अब आते हैं सेलिब्रिटी के लिए, तो जब आप सेलिब्रिटी को यहाँ पर बनाएंगे, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, हमने कहा बीन आई डी इक्वल्स, ठीक है, सेलिब्रिटी वन, हमने कहा सेलिब्रिटी वन क्लास इक्वल टू, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट सेलिब्रिटी, है ना, ऐसे कर दिया। अभी सेलिब्रिटी का नाम है जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से देना है, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमने कहा कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी। अब कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी जब हम जाएंगे तो सेलिब्रिटी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। पहले क्या है, नेम है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंस्ट्रक्टर एप्लीकेशन context.xml, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कंस्ट्रक्टर वैल्यू इक्वल टू क्या, तो मैं लिख देता हूँ हमारा जो भी एक अच्छा सा लिख देता हूँ नाम, ठीक है, कुछ भी किसी भी एक्टर का ले लेते हैं, शाहरुख खान, ठीक है, अब ये शाहरुख खान का है, डैट्स इट। यहाँ पर देखिए और कंस्ट्रक्टर डैश ए आर जी, अब सेकेंड वैल्यू के लिए आया, तो सेकेंड वैल्यू के लिए भी हम यहाँ पर आर ई एफ लगा के यूज करेंगे, राइट, रिफरेंस किसका, तो वैनिटी वैन, वैनिटी वैन। एक काम करता हूँ, इस वैनिटी वैन को वन कर देता हूँ, वैनिटी वैन वन, वैनिटी वैन वन, ठीक है। सेलिब्रिटी हो गया, कंस्ट्रक्टर आर ई एफ, वैल्यू हमारा हो गया, इसको करते हैं सेव, हमने किया सेव, ठीक है, सेलिब्रिटी वन हो गया, डैट्स इट। यहाँ पर इंजेक्शन हो गया है, ये हमारा डिपेंडेंट बीन है, ये हमारा टारगेट बीन है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा ना समझ में? कॉम डॉट कोडर एक सेलिब्रिटी का क्या कुछ स्पेलिंग गलत है क्या? ओ वन सेकेंड दोस्त, ये सेलिब्रिटी जो है हमें कट करना पड़ेगा, कॉपी करके इस बीन्स में पेस्ट करना पड़ेगा, वो दूसरे जगह पर हमारा वो हो गया था, बन गया था क्लास, बट कोई बात नहीं, ये हमने यहाँ पर बनाया और इस पैकेज का भी नाम सही है, ठीक है, ये जो नाम है हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज हटा दीजिए यहाँ से, इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है डिफ़ॉल्ट पैकेज की, गलती से यहाँ बन गया होगा। चलिए सेलिब्रिटी हो गया, इस टेस्ट वाले फोल्डर मतलब पैकेज में आकर के एक क्लास बनाते हैं, ओके यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल, पहले तो ये नॉर्मल है ना, हाँ या नॉर्मल नहीं, ऐसा लिख देते हैं इनर बीन टेस्ट। देखिएगा इनर बीन का मैं टेस्ट करने वाला हूँ, देखिए क्या होगा, अभी मैं मेन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि भाई पहले तो तुम यूज कर लो, ओके, और जो यूज करना है, क्या यूज करना है, हमें आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, डिफ़ॉल्ट बीन आईडी के पास मिल जाएगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम कॉपी पेस्ट मार लेंगे थोड़ा, तीन लाइन का कोड, ठीक है,
अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट स्टेबल बिन फैक्ट्री हम यूज कर रहे हैं और कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप कॉपी पेस्ट ना करें, मैंने अपने लिए बस ये कॉपी पेस्ट करा है। तो डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री सेव इट, और ये क्या हुआ इसको आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क ORG। और यहाँ पर स्प्रिंग की तो डिपेंडेंसी लगी हुई है, यस डेफिनेटली लगी हुई है। इनर बीन टेस्ट डॉट जावा यहाँ पर सही है, ORG फ्रेमवर्क में भी हमारा सही है। ये यूज का नहीं हो रहा भाई, एक सेकंड यार, एक सेकंड, क्लोज ऑल, जस्ट रिफ्रेश द प्रोजेक्ट, इसको क्लोज करिए पहले। यहाँ से क्लोज का ऑप्शन दे रहा है कहीं पे, वन सेकंड, यहाँ से पहले हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट बिन ID इनर बिन टेस्ट में आते हैं एंड जस्ट ओके सपोर्ट, वन सेकंड, ORG.import। ऐसा क्यों भाई, SRC, ये तो लाइब्रेरी है यहाँ पर हमारा लगा हुआ होगा ना। आज ओके ओके, इस इनर बिन्स में हमारा देखिए ग्रैडल प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी तो नहीं दिखा रहा है, इसीलिए वन सेकंड ग्रैडल, मैं रिफ्रेश ग्रैडल कर लेता हूँ। चलिए रिफ्रेश किया, अब सब कुछ सही हो गया, यस सेव करते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था ना इस प्रोजेक्ट को, तो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑन नहीं रहता कॉपी पेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, हमने किया XML बिन डेफिनेशन रीडर बना हुआ है, ओके डैट्स इट। हम कहेंगे फैक्ट्री भैया हमें गेट बिन मेथड दीजिए, सॉरी एक बिन दीजिए, किसका, सेलिब्रिटी वन का, ओके डैट्स इट ना, यही तो हमें चाहिए था, यस yes। अब जब सेलिब्रिटी वन का दीजिए तो ये कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, तो सेलिब्रिटी डॉट क्लास का, ये नाम ले लीजिए आप, इसी टाइप में रखिए और इसको होल्ड कर लीजिए, सेलिब्रिटी C1, सेलिब्रिटी C1। अब हमने कहा कि C1 डॉट ओके सो, यही है ना, सो वैनिटी वैन, कि सेलिब्रिटी वन कौन है भाई दिखाओ, और उसका वैनिटी वैन दिखाओ, राइट क्लिक करके नॉर्मल जावा एप्लीकेशन पर रन करेंगे, ग्रैडल का चांस नहीं लेते हैं, वो बाद में सीख रहे होंगे, सीख लिए हैं वैसे तो, मैंने आपको बताया भी है, बट अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है तो ये समझते हैं डायरेक्ट। चलिए तो क्या आ रहा है शाहरुख खान का और रजिस्ट्रेशन नंबर, यस आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया शाहरुख खान का आया, किचन एमिनिटीज आया, सब कुछ आया, मतलब लग्जरी एमिनिटीज आया, किचन बेडरूम टॉयलेट हाई स्पीड इंटरनेट ब्यूटीफुल इंटीरियर एंड एक्सेट्रा जो भी है वो XYZ। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो वैनिटी वैन है जो हमने यहाँ पर कन्फिगर किया है ना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, ये जो वैनिटी वैन है जो यहाँ पर हमने कन्फिगर किया है, क्या इसको कोई और टारगेट बिन यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कैसे, अरे सिंपल सी चीज़ तो है भाई, मैं कहूँगा बिन ID इक्वल टू सेलिब्रिटी टू, मैं सेलिब्रिटी टू हूँ, यहाँ पर ओपन में रखा है कोडरिक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट, अब सेलिब्रिटी टू होना चाहिए, यस ना, तो सेलिब्रिटी टू, अच्छा ठीक है इसको हटाइए अभी, सेलिब्रिटी टू का पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है यहाँ से तब ना, यस बीन्स, यहाँ पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं इसी क्लास को इसी पैकेज में, और नाम क्या है भाई, सेव एंड मॉडिफाई, अच्छा इसको सेव करिए, इस सेलिब्रिटी को यहीं पर पेस्ट कर देंगे और सेलिब्रिटी टू नाम दे देंगे। तो जब सेलिब्रिटी है और ये सेलिब्रिटी वन, मतलब ये सेलिब्रिटी टू हो गया हमारा, यहाँ जो वही चीज़ होगा सब कुछ ओके। और अरे यार गलत ये इसलिए हुआ कि हमें सेलिब्रिटी टू का ऑब्जेक्ट, वो तो हम दूसरा बिन डिफाइन कर ही लेंगे यार, हाँ ठीक है, सॉरी मैं कहीं और निकल गया था, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में। यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा एक और टारगेट है, एक और बिन है सेलिब्रिटी टू, ओके अब सेलिब्रिटी टू मेरा एक और टारगेट बिन है, और क्लास इक्वल टू मैंने कहा कि कॉम डॉट कोडरिक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट सेलिब्रिटी, ये आया सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटी आया और यहाँ पर उसने कहा, सेट किया अपना कंस्ट्रक्टर डैश ARG से, वैल्यू दिया, बोला मेरा नाम जो है वो अक्षय कुमार है, ठीक है अक्षय कुमार है, ओके अब इसको वैनिटी भी सेट करनी पड़ेगी अपनी। अब अक्षय कुमार की वैनिटी तो है नहीं, तो नहीं था तो इसने यूज कर लिया किसका, शाहरुख खान वाला वैनिटी, ठीक है यहाँ पर REF इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे, कहेंगे वैनिटी वन को ही यूज करो, वैनिटी वन को ही यूज कर लो, तो ये एक्सपोज हो गया, राइट सेव किया मैंने, एंड सेलिब्रिटी को रन कर लेंगे फिर से, ठीक है रन, और नॉट रन
हमने तो कहा ही नहीं भाई, सेलिब्रिटी टेस्ट कहाँ गया हमारा, सेलिब्रिटी टेस्ट, इनर बीन टेस्ट, ये जो है यहाँ पर सिस आउट ये करिए और डिवाइडर लगा करके यहाँ पर हम कहेंगे फैक्ट्री भैया। ओके सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा से मेहनत। ओके तो यहाँ पर नहीं मेहनत करनी है बट ये मेरे को आइडिया तो मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ राइट। आप भी जब आपको सब समझ में आने लगेगा आप भी करेंगे कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है बट आपको समझना ज़रूरी है इनिशियली, आप कॉपी पेस्ट ना करेंगे। मैं कहूँगा सेलिब्रिटी टू को दे दो और सी टू, सेलिब्रिटी टू का वैनिटी वन शो करवाओ, सेव करो, रन करो। तो ये नॉर्मल बीन कन्फिगर हमने किया है और ये क्या हो गया भाई, नो बीन डेफिनेशन वैनिटी वन। अच्छा 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 वैनिटी 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 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, वैनिटी वैन वन है ना, यस तो वैनिटी वैन वन कर देंगे, वी ए एन करेक्ट, बीन आई डी देना ज़रूरी है दोस्तों। एंड इनर बीन टेस्ट में जाएंगे हियर, यहाँ पर रन करेंगे, क्या आ रहा है अक्षय कुमार भी वही रजिस्ट्रेशन नंबर वही वैनिटी वैन का यूज कर रहे हैं राइट। तो ये तो गलत है, आप ये नहीं चाहेंगे। तो जब भी ऐसा ज़रूरत पड़े कि आपका आपका जो डिपेंडेंट बीन है वो सिर्फ एक ही टारगेट के लिए अवेलेबल हो तो उसको इनर बीन डिक्लेयर करते हैं, और इनर बीन अभी तक हमने यूज नहीं किया है तो अभी मैं यूज करने वाला हूँ कि इनर बीन कैसे हम यूज करेंगे। तो इनर बीन यूज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा है इसको हटाइए और ये जो कंस्ट्रक्टर आर ई एफ, ये जो चलिए यहाँ रहने देते हैं, पहले नाम तो आपको देना पड़ेगा, डेफिनेटली आपने नाम दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो है कंस्ट्रक्टर ए आर जी, ठीक है ये कंस्ट्रक्टर ए आर जी आप खुद से समझ जाएगा कि हाँ भाई सेकेंड पैरामीटर के लिए है, कंस्ट्रक्टर रिजोल्विंग का वीडियो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो हम पास करेंगे ना इस बार कोई वैल्यू या कोई रेफरेंस आई डी नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पास कर देंगे, एक बीन आई डी इक्वल टू बना देंगे वैनिटी वैन वन, वैनिटी वैन वन क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट वैनिटी वैन। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, इस वैनिटी वैन को क्या हमें कुछ और भी देना है, यस ये बीन को प्रॉपर्टी देनी है नेम इक्वल टू रेज नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम सेटर इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर इंजेक्ट करवा दे रहे हैं। क्या समझ में आया, अब बी आर जो भी हमारा नंबर था ये हमने रैंडमली टाइप कर दिया एंड सेव करें। एंड अब सेव करने के बाद देखिए क्या हमने वैनिटी वैन अक्षय को मिटाया है, इस वैनिटी वैन अक्षय वाले को नहीं, वैनिटी वैन स्टिल अक्षय इसका यूज करना चाहते हैं है ना, यहाँ कर रहे हैं पर क्या ये वाकई में यूज करने देगा, देखिए इनर बीन टेस्ट करते हैं रन करते हैं तो आ गया ना क्या आएगा देखिएगा कि सेलिब्रिटी टू है ना, यहाँ पर दिक्कत है कुछ भाई, यहाँ देखिए यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा एरर कि नो बीन नेम्ड है ना, नो बीन नेम्ड वैनिटी वैन, कहेगा कि भाई हमने तो वैनिटी वैन बनाया, आप बोलोगे कि हमने तो वैनिटी वैन बनाया है पर क्या वो पब्लिकली एक्सेस कोई कर सकता है, इसको कोई भी टारगेट एक्सेस कर सकता है, नहीं कोई भी टारगेट बीन उसको यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इस बीन के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, इस बीन के अंदर इसको डिफाइन किया है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर बीन, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर बीन दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है इनर बीन का। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ओके एंड इसको मैं कमेंट करने के बाद इनर बीन टेस्ट में इन दो कोड को कमेंट कर देता हूं ताकि हमारा एक्सेप्शन ना आए और एंड इसके बाद हम रन करते हैं तो क्या होगा, मेन रिसोर्सेज हमने रन किया उसके बाद देखिए क्या सिर्फ शाहरुख खान जी यूज कर पा रहे हैं अपना वैनिटी वैन, यस अब आराम से यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कभी जैसी ज़रूरत पड़े कि आपका एक डिपेंडेंट बीन है जो कि बस एक ही टारगेट बीन के पास यूज होना चाहिए तो उस केस में हम यूज क्या कर रहे होंगे, तो हम उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं इनर बीन्स कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अनकमेंट करके भी मैं बताता हूँ, अब ये जो अक्षय कुमार है जब वैनिटी वैन अपना यूज करेगा ओके तो ये रेफरेंस हटाइए यहाँ से, हम कहेंगे यहाँ हटाइए, यहाँ आते हैं इस ये सेकेंड पैरामीटर के लिए कंस्ट्रक्टर, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन बता दिया उसमें ये इसका मैंने आपको बताया किस तरीके से जो है ये कंस्ट्रक्टर काम कर रहा होता है और कैसे आप रिजोल्व करते हैं कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स को, वो वीडियो जाके देखिए जो पहली बार मतलब इस चैनल पर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो राइट। यहां समझते हैं ठीक है, यहां पर हम एक बीन आईडी दे रहे होंगे, बीन आईडी इक्वल टू हमने कहा वैनिटी वैन टू, ठीक है वैनिटी वैन टू क्लास इक्वल टू कॉम डॉट
com.codericsankit.beans.vanityvan. ठीक है, अब ये सिर्फ इसके लिए अवेलेबल है, ये सिर्फ अक्षय कुमार के लिए अवेलेबल है, इसको कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा या कोई भी यूज नहीं कर सकता भाई, समझ रहे हो ना, इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, इसको सिर्फ अक्षय कुमार यूज कर सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार इस वैनिटी वैन है ना, ये सेलिब्रिटी टू, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बीन है, सेलिब्रिटी टू जो बीन है, उसी के अंदर डिफाइन किया गया है। अरे भाई, मेरे घर के अंदर अगर कोई रूम बना हुआ है तो सिर्फ मैं अगर उस रूम में रह रहा हूँ, मैं उस घर में रह रहा हूँ, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या आप मेरे घर तक एक्सेस कर सकते हो? नहीं, नेवर, है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी लगानी और समझनी है। क्या इस बीन को, हाँ भाई, अब क्या आप बोलोगे कि इनर बीन का कोई और भी सेटर इंजेक्शन, अरे जरूर, अगर, अरे ये भी बीन है भाई, देखो दोनों बीन है, तो क्या एक बीन पर हम सेटर इंजेक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। तो एक बीन पर ये किसी और बीन पर भी डिपेंडेंट हो सकता है, किसी और वैल्यू पर, किसी और इसकी बीन प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, जिसको हम सेटर इंजेक्शन के थ्रू और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू उसका वैल्यू दे सकते हैं। तो वैनिटी वैन की भी बीन प्रॉपर्टी है ना, आखिर ये भी बीन ही है, राइट यार, समझो यार, ये भी बीन ही है और ये भी बीन ही है। फर्क इतना है कि ये वैनिटी वैन टू, ये बीन इसके अंदर डिक्लेयर है, सेलिब्रिटी टू के अंदर, बस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया कि हाँ भाई, इस वैनिटी वैन की, इस वैनिटी वैन क्लास है जो हमारा, यहाँ देखो, इसके पास भी बीन प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं? तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू RegNO नंबर, इसको यूनिक बना देना है। तो वैल्यू हमने दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर कहा कि ठीक है, MR- कुछ भी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एंड सेव इट। नाउ हम चलेंगे इनर बीन टेस्ट में। अब इसको अनकमेंट करते हैं दोबारा से, एंड सेव करते हैं कंट्रोल एस से और रन कर लेते हैं वापस से। तो अब हम अक्षय कुमार का भी देख सकते हैं, क्या अक्षय कुमार अपना अलग, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या अक्षय कुमार अपना अलग यूज कर रहे हैं और ये अपना अलग यूज कर रहे हैं? अब बोलोगे ये लग्जरी अमेनिटीज, अरे ये कॉमन है ना यार, अमेनिटीज तो कॉमन है, लग्जरी वाली वो तो कॉमन मेथड है यार, ये देखो यार, ये कॉमन मेथड है, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और जब भी आप कॉल करोगे तो ये वाली वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि हमने इस पे कुछ चेंजेस तो किए नहीं, वैसा डायनेमिक तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक, ये बदल रही है ना वैल्यू उसकी। हाँ, तो इनर बीन टेस्ट जब हमने चलाया तो हमने देखा किस तरीके से हम, ये कहाँ गया भाई हमारा रीस्टोर, वेयर इज द कंसोल यार, वन सेकेंड बॉस, कंसोल, वेयर इज़ द कंसोल यार, हेल्प, नो, गो टू विंडो, सो व्यू एंड कंसोल को ले आओ यार, कंसोल को नीचे रख दो यार, बहुत दिक्कत होती है ऐसे। चलिए ये करिए मिनिमाइज, ये हमारा कंसोल। तो क्या समझ में आया किस तरीके से अक्षय कुमार भी अपना अब एक्सेस कर पा रहे हैं? ठीक है, अब इसको अक्षय कुमार वाले को कोई दूसरा टारगेट भी नहीं यूज नहीं कर पाएगा, उनके वैनिटी वैन को, और शाहरुख खान वाले को वैनिटी वैन को भी कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। कब? जब आप क्या यूज करेंगे? इनर बीन्स कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और इनर बीन्स कोई कॉन्सेप्ट का मतलब, नाम तो ही मैंने बताया जो भी मतलब था, बट इनर बीन बेसिकली जो है वो आपका किस लेवल पर यूज हो रहा है, क्लास के लेवल पर यूज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये यूज हो रहा है आपका XML कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में। क्या समझ में आया? तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देते हैं अपने इस नोट्स में। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से ये जो है आपका क्या है, इनर बीन का मेन पोर्शन है जो अभी अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूँ यहाँ पे एंड इसको कलर कर देते हैं। क्या समझ में आ गया ये चीज़ आपको? अब बहुत अच्छे से समझ में आया है इनर बीन का कॉन्सेप्ट। एक इनर बीन, ठीक है, सिर्फ अगर आपका एक डिपेंडेंट बीन सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका, अगर कोई एक मान लेते हैं कोई एक डिपेंडेंट बीन है, वो सिर्फ एक ही बीन के लिए अवेलेबल होना चाहता है, एक ही टारगेट बीन के लिए अवेलेबल होना चाहता है, उस केस में बेस्ट चॉइसेस इनर बीन। और इनर बीन के लिए करना कुछ नहीं है, बस एक बीन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ कर सकते हैं, सेटर इंजेक्शन के साथ कर सकते हैं, दोनों के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनर बीन कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल बोथ सपोर्ट्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, दूसरा बात, एक चीज़ और है कि ये जो आपका आईडी है इसका कोई यूज नहीं है, ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल, इट इज़ वेरी ऑप्शनल बॉस, इट इज़ वेरी वेरी ऑप्शनल। ओके, तो आईडी जो है आपका, ओके, आईडी
बीन आईडी, ओके मैं लिख देता हूँ कि बीन आईडी फॉर गिविंग बीन आईडी फॉर इनर बीन इज टोटली ऑप्शनल, ओके ऑप्शनल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसका क्या करोगे आपने मुझे बताओ, आप इसका क्या करोगे? ठीक है, समझ गया। तो बीन जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, समझ जाना आप यहाँ से, फाइन ना, ये बीन जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ समझ जाना आप, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फिर से आपको दिखाई देता हूँ लिख करके, भाई आप बोलोगे यार नहीं बताते हो अच्छे से, ठीक है फिर समझ लेना यार, आप यहाँ देखो आप समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा, पेस्ट कर देता हूँ, सेम सेलिब्रिटी 3 कर लेता हूँ, और ये जो नेम है सेलिब्रिटी का इस बार मैं कैटरीना कैफ कर देता हूँ, एंड हियर जस्ट वी विल डू व्हाट, वैनिटी वैन 3, ओके, और इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं JH- कुछ भी लिख देते हैं भाई, मुझे क्या पता कोई रजिस्ट्रेशन, मैं बस यूं ही ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलिए रन करते हैं प्रोजेक्ट को, कहाँ से रन करेंगे, अपने टेस्ट में जा कर के, कहाँ गया हमारा टेस्ट, इनर बीन टेस्ट, जस्ट रन इट। बट रन करने से पहले हमें एक बार और ये लाइन वाली सेक्शन प्रिंट कर देनी है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्ट्री से बोलेंगे कि मुझे सेलिब्रिटी 3 का ऑब्जेक्ट दीजिए, हम अपने IOC कंटेनर को क्या बोलेंगे कि मुझे सेलिब्रिटी 3 का ऑब्जेक्ट दीजिए, उसको C3 में होल्ड कीजिए और C3 का वैनिटी वैन दिखाइए, सेलिब्रिटी 3 का वैनिटी वैन दिखाइए, राइट ना? जी हाँ बिल्कुल। रन करेंगे और रन करेंगे तो देखिए, इसको बड़ा कर दें थोड़ा, ये देखिए पहली बार जो हमने बनाया वो शाहरुख खान का, फिर अक्षय कुमार का, सब कुछ चेंज्ड है ना, यहाँ पर देखिए कटरीना कैफ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि वो जो बीन आईडी है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, जी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से जो ये इनर बीन के लिए, नॉट फॉर दिस वन, इसके लिए तो ज़रूरी है आपका, अगर नहीं भी देंगे तो डिफ़ॉल्ट बीन आईडी बनेगा, राइट, वो मैंने डिफ़ॉल्ट बीन आईडी के कॉन्सेप्ट में आपको बता ही रखा है। ये जो बीन आईडी है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यहाँ से हम हटा देंगे, सेव करेंगे, एंड जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ से और रन करूँगा, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है, आपको इनर बीन तो सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल है जो उसके पास पहुँच गया, राइट, देखिए फिर भी काम कर रहा है, तो इट इज़ ऑप्शनल। जो सेकेंड पॉइंट था वो भी मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ये वाली पॉइंट थी वो भी समझा दिया, राइट ना, यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा से। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, कहाँ चला गया यार इसका, रीस्टोर करो, और वन सेकेंड यार इसका कंसोल बार बार, यार इसको मुझे सेटअप करना पड़ेगा, एक बार ही देखना पड़ेगा, बार बार कंसोल मेरा छिप जा रहा है, तो इसको पिन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या समझ में आ गया आपको, ठीक है, किस तरीके से इनर बीन कॉन्सेप्ट का यूज होता है और कैसे काम करता है इनर बीन कॉन्सेप्ट आपका। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इनर बीन का कॉन्सेप्ट, राइट ना, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इनर बीन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब ज़रा एक चीज़ और हम समझ लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कुछ, जो भी हम समझे हम जो भी अभी तक समझा है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, आई डोंट लाइक दिस यार, पता नहीं यार ये क्यों चेंज हो जाता है, ऑलवेज आई जस्ट वॉन्ट कैलिब्री, एंड वन सेकेंड बॉस, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया क्या, ओके नो प्रॉब्लम, पावर पेंट बॉक्स, ओके चलो ये हो गया, नॉट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम ए शुरू करते हैं कि गिविंग बीन आईडी इज़ टोटली ऑप्शनल, राइट, यस, गिविंग बीन आईडी फॉर इनर बीन कन्फिगरेशन इज ऑप्शनल, दैट इज़ द फर्स्ट वन, राइट, इनर बीन इज ऑप्शनल। बी सेकंड कि इन टारगेट बीन क्लास, ओके, वी कैन टेक बोथ नॉर्मल एंड इनर बीन बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अरे भाई कभी हमें जरूरत पड़ा नॉर्मल बिन का भी तो वो भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने इनर बिन यूज किया तो वहाँ पर नॉर्मल बिन आप नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल बिन मतलब जो हम नॉर्मल बिन अब तक डिक्लेयर करते आए हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं एज अ डिपेंडेंट उसके लिए, और सेम टाइम पर हम वहाँ पर आपका टारगेट सॉरी सेम टाइम पर हम वहाँ इनर बिन्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके ओके वन डिपेंडेंट बीन, ओके वन डिपेंडेंट बीन या वन इनर बीन, ठीक है ऐसा लिख लेते हैं कि वन इनर बीन है ना, वन इनर बीन कैन बी, वन इनर बीन कैन हैव नॉट कैन मे हैव, वन इनर बीन मे हैव अनदर अनदर बीन also, ओके मतलब अनदर वन इनर बीन मे हैव अनदर इनर बीन also, ओके मतलब एक बीन जो इनर बीन लगाया उसके बीन के अंदर भी एक और बीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कुछ नेस्टेड जैसा हुआ है ना, नेस्टेड इनर बीन। ओके एक बीन आया उसके एक अंदर बीन हमने, जैसे हमने देखा हमारा पहला बीन था जो टारगेट था वो कौन था, हमारा टारगेट बीन कौन था भाई, अरे भाई सेलिब्रिटी वाला कोई भी नाम लो ना यार, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी वन, ठीक है सेलिब्रिटी टू जो भी था, तो सेलिब्रिटी टू या सेलिब्रिटी थ्री जो भी हमारा बीन था, वो जो बीन था उसके अंदर कौन सा बीन आया, एक इनर बीन, उस इनर बीन के अंदर भी कोई एक इनर बीन आ सकता है, ऐसा है पॉसिबिलिटी कभी जरूरत पड़ी तो। फॉर एग्जाम्पल क्या वो जो वैनिटी वैन होगी उनके चक्के अलग अलग होंगे, तो हमने कहा एक और बीन ले लो चक्का का व्हील, एक और बीन प्रॉपर्टी लो और वो बीन प्रॉपर्टी उसको बीन दो, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ऐसे करके। या जो बनाया है वो मैन्युफैक्चरर उस वैनिटी वैन को, क्या वो सब भी चेंज होंगे, तो उसके इंटरनल में हम कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है हमें कभी कि एक इनर बीन के अंदर एक इनर बीन जो खुद ही इनर बीन है उसके अंदर भी और भी इनर बीन आ सकता है, वन इनर बीन में हैव अनदर इनर बीन ऑल्सो, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और द लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि वी कैनॉट एक्सेस द इनर बीन्स, वी कैनॉट एक्सेस इनर बीन डायरेक्टली, ओके इट कैन बी ओनली एक्सेस्ड थ्रू किसके थ्रू, इनडायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं बट किसके थ्रू, इट कैन बी ओनली एक्सेस्ड थ्रू क्या हो जाएगा हमारा आउटर बीन, आउटर बीन कौन होगा जो इसको कंटेन करके रखेगा, राइट यस डेफिनेटली। तो दिस इज द फोर थिंग डैट यू रियली नीड टू नो अबाउट, आई थिंक अब आप इतना समझ गए होंगे, यस और नो यार समझ रहे हो ना ये। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कवर किया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है डेफिनेटली थी। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब एक नहीं एक्चुअली दो क्वेश्चन होने वाले हैं, और वो जो क्वेश्चन है वन ये क्वेश्चन है कि कैन वी इंजेक्ट बोथ इनर बीन एंड नॉर्मल बीन टू अ बीन प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट बीन क्लास। तो आंसर है इसका नो भाई, एक बीन प्रॉपर्टी में आप दो वैल्यूज कैसे इंजेक्ट करोगे ना, राइट तो दो बार आप बीन्स करोगे डाल ही नहीं सकते डेफिनेटली। तो आंसर इज व्हाट इज हैपनिंग यार, व्हाई द इट इज कैपिटल, वन सेकंड आंसर इज नो बॉस, ओके नो वी कैनॉट इंजेक्ट, समझ गए आप, इनर बीन और नॉर्मल बीन ये दोनों ही एक ही बार में इंजेक्ट नहीं करवा सकते हो, दिस इज द थिंग, इनर बीन ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक ही बार हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, वैसे तो आंसर मैं ही कर दे रहा हूँ बट कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर करो कि इफ वी कन्फिगर सेम क्लास एज मल्टीपल स्प्रिंग बीन्स
विथ डिफरेंट बीन आईडीज और नो बीन आईडीज, नो बीन आईडीज, ओके, विथ नो बीन आईडीज, देन 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 देन, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं आगे का क्वेश्चन का पार्ट. देन कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ओके, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट स्प्रिंग बीन, ओके, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बीन क्लास, बीन क्लास इज क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय आईओसी कंटेनर, ओके, आईओसी कंटेनर, when we use, when we use, when we use all the bin configurations. This is the question. Can you tell me what is your answer? बात ये है, मैं इसको क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक, ठीक है, एक सिंगल क्लास है, जैसे सेलिब्रिटी था, तो उस सेलिब्रिटी को हमने, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, क्लास तो हमारा सेम है सेलिब्रिटी, पर एक बीन, दो बीन और तीन बीन ये डिक्लेयर किया. तो जब हम यूज कर रहे हैं इनर बीन टेस्ट डॉट जावा में तीनों बीन को, यस, यूज कर रहे हैं सेलिब्रिटी वन, सेलिब्रिटी टू, सेलिब्रिटी थ्री, तो आईओसी कंटेनर कितना ऑब्जेक्ट बनाएगा? तो आईओसी कंटेनर जितना हम यूज कर रहे हैं, जितना उसमें कॉन्फ़िगर किया गया है, उतना ऑब्जेक्ट बनाएगा. जी हाँ, उस अलग अलग बिन आईडी के नाम से. क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको समझ में आ रहा है? हमने जो बनाया है, तीन यूज किया है, तीनों अलग अलग है, यस, तीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट. ये मुझे आपको समझाना था. वन पर बीन आईडी, ओके, यस, कि आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर विल क्रिएट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर अ स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन एज डिफाइंड, एज डिफाइंड एज वन पर बीन कॉन्फ़िगरेशन, वन पर बीन कॉन्फ़िगरेशन, विथ वन, विथ विथ वन पर बीन कॉन्फ़िगरेशन, विथ बीन आईडी, भाई विथ बीन आईडी, बीन आईडी, ओके, जितना आप बीन आईडी दे करके कॉन्फ़िगर करोगे अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, आपने बीन आईडी दिया और आपने कॉन्फ़िगर किया, उस केस में आपका जो बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना आप यूज करोगे और जितना आपने कॉन्फ़िगरेशन किया अलग अलग, तब सेपरेटली विथ विथ डिफरेंट बीन आईडी, ऐसा लिख देता हूँ, विथ बीन आईडी एज वन पर बीन आईडी, बस यह लिख दिया ना, सही है, ठीक है. तो इस केस में अगर एग्जांपल आप बात करें इंटरनल कैसे के पास अब कितना मौजूद होगा ऑब्जेक्ट, अगर आप समझना चाहें तो शॉर्टकट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, इस इंटरनल कैसे में तीन ऑब्जेक्ट रेडी होगा, डेफिनेटली रेडी होगा, किसका, इस बीन का, बीन आईडी सेलिब्रिटी वन, किसके लिए, कॉम डॉट कोडरेक्स अंकित डॉट, ठीक है, बीन्स डॉट, क्या क्लास का नाम है भाई, सेलिब्रिटी, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, किस केस में, हमारे इस वाले केस में एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है, ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. समझ में आया, बीन आईडी, बीन क्लास, ओके, एग्जाम्पल भाया, एग्जाम्पल थ्रू कोड, क्या समझ में आ गया, एग्जाम्पल मैंने दिया कोड के थ्रू, ठीक है.
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखा, ठीक है, कि IOC कंटेनर जो है आपको वन पर बीन आईडी बेसिस पर क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है आपके जो डिक्लेयर किए गए, आपके जो कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं बीन को उनके, ठीक है, फाइन ना यार? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनर बीन क्या करता है, एक बार समाप्त कर लेते हैं। इनर बीन का क्या मतलब है? सिंपल सा ये मतलब है कि एक बीन के अंदर आप अगर एक और बीन डाल रहे हैं, एक टारगेट बीन है, एक डिपेंडेंट बीन है, अगर उस डिपेंडेंट बीन को आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ वही टारगेट बीन उसको यूज करे, तो द बेस्ट चॉइस इज इनर बीन। इनर बीन का मतलब कुछ एक्सेसिबिलिटी, किस लेवल पर? XML लेवल पर, क्लास के लेवल पर नहीं। यहाँ पर मैं एक लाइन और जोड़ सकता हूँ, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जावा क्लास, ओके, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जावा क्लास, मैं इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जावा क्लास ऐसा लिख सकता हूँ। क्या अब आपको समझ में आ गया इनर बीन्स का कॉन्सेप्ट? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ आगे, आगे हम लोग देख रहे होंगे बीन एलियास, ठीक है, एंड मैं मिलता हूँ आगे, बाय।